हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा मेरे स्कूटर के ऊपर, जो कि अगर आप इसको लेके लॉन्ग राइड का प्लान कर रहे हो तो ये आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये नहीं करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। सो चलिए देखते हैं क्या क्या वो मॉडिफिकेशन। सो सबसे पहले आप देख सकते हो फॉग लैम्प। फॉग लैम्प बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसका जो लैम्प उतना पावरफुल नहीं है नाइट राइड के लिए। सो इसके लिए मैंने फॉग लैम्प इंस्टॉल कराई है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नंबर वन। नंबर टू, आप देख सकते हो ये जो लेग रखने का जो प्लेस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप तो जानते हो कि स्कूटी में राइड करने के लिए आपको कुछ कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक इम्पोर्टेंट है ये, बिकॉज इसका जो पाँव रखने का जो प्लेस है, मतलब यहाँ पर लेग रखने का जो प्लेस, उसमें अच्छा नहीं है। तो थोड़ा बहुत क्रूज फीलिंग्स लेने के लिए आपको ये बैरल एग्जॉस्ट का जो ये होता है, इसका कोई एग्जैक्ट नेम नहीं है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। नंबर वन तो ये है, बिकॉज यहाँ पर मैंने लगेज रखने का प्लान करा था। सो यहाँ पर मैं पा नहीं रख पाया, तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, नंबर वन। नंबर टू तो आप बहुत ही अच्छा तरीके से देख सकते हो, जो कि ये मोबाइल होल्डर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब आप ऐसा रोड में जाओगे और ऐसा लोकेशन में जाओगे जहाँ आपके लिए अननोन प्लेस मिलेगा, सो अननोन प्लेस में आपको जो नेविगेशन मोबाइल में देखने के लिए, यहाँ पर मोबाइल तो होल्ड करना ही पड़ता है, सो मोबाइल होल्डर। सो नंबर वन है फॉग लैम्प, नंबर टू है ये जो लेग रखने का प्लेस, और नंबर थ्री है ये मोबाइल होल्डर। और नंबर जो फोर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको दिखाऊंगा, बिकॉज ये देख सकते हो दोनों स्विच जो कि है एक्टिवा का। मैंने इसको क्यों इंस्टॉल कराई है, बिकॉज आप जानते हो कि BS4 में ऑटोमेटिक ये जो सिस्टम, ऑटोमेटिक हेडलाइट गाड़ी ऑन करने से ऑन हो जाता है। सो उसको ऑफ करने के लिए ये जो नंबर वन स्विच, इससे लाइट ऑन ऑफ होगा, और नंबर टू ये जो स्विच, इसके साथ ये जो फॉग लैम्प ऑन ऑफ होगा। और सच ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये करने से ही चल जाएगा। सो नंबर वन फॉग लैम्प आपको इंस्टॉल करना ही चाहिए, अदरवाइज नाइट राइड पॉसिबल नहीं होगा। नंबर टू, ये जो लेग रखने का प्लेस है, आपको इंस्टॉल करना चाहिए, नहीं तो आपका पाँव में दर्द हो जाएगा। नंबर थ्री मोबाइल होल्डर, ये आप देख सकते हो मोबाइल होल्डर। नंबर फोर ये स्विच का मॉडिफिकेशन आपको करना चाहिए, बिकॉज नहीं तो दिन में भी लाइट आपका बैटरी वेस्ट होगा। सो यही था कुछ मॉडिफिकेशन जो मैंने कराई है। आप देख सकते हो सबसे इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन इनमें यही स्विच है, ये दोनों स्विच बहुत ही अच्छा तरीके से इंस्टॉल हुआ है। आप देख सकते हो एक नज़र में कोई भी इसको नहीं पहचानेगा कि ये कंपनी फिटिंग्स नहीं है, बहुत ही अच्छा तरीके से इंस्टॉल करा है। सो यही था कुछ मॉडिफिकेशन जो मैंने मेरा नॉर्थ बंगाल लाइट के पहले किया है। सो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।